हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और आप अभी जानेंगे कि एक विंडो एसी को कैसे किस तरह से फिटिंग किया जाता है। जैसे कि देखिए, आप हमने सबसे पहले नापी लिया, उसके नापी लेने के बाद हम लोगों ने फिर क्या किया कि ग्रिड को काटना स्टार्ट कर दिया। तो ग्राइंडर मशीन से थोड़ा आराम से काटना चाहिए कि जिससे कि कुछ भी एक्सीडेंट ना हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रेम लगाया। जो फ्रेम होता है वो लकड़ी का होता है, तो लकड़ी का हम लोगों ने बढ़िया से फ्रेम लगा दिया, उसमें बढ़िया से खीला मार दिया कि जैसे कि वो निकले नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक साइड में और एक नीचे में तो 6-6 क्लेम मार दिए। उसके मारने के बाद वो बढ़िया से फिट हो गया। फिर हम लोगों ने एसी का जो फ्रेम होता है, तो फ्रेम को हम लोगों ने बढ़िया से उसको फिट कर दिए। तो फिट करने के लिए हम लोग क्या है कि सबसे पहले हम लोग को डाउन देखना पड़ता है कि वो नीचे तक डाउन है कि नहीं, ये तो उससे क्या होगा, पानी पूरा रूम में गिरेगा। तो फिर हम लोगों ने उसको बढ़िया से स्क्रू से टाइट कर दिया, जो कि लकड़ी पे स्क्रू टाइट होता है, तो इसका चारों तरफ से टाइट होता है। जैसे हम लोगों ने इधर 3 किया, फिर इस तरफ 3 स्क्रू टाइट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा हम लोग फास्ट बना रहे कि आपको ज़्यादा दिक्कत। तो ये उसका सबसे मेन चीज़ होता है ट्रे। तो इसमें ऐसे छोटा ट्रे देता है, पर हम लोग क्या है कि इसका बड़ा ट्रे लगा रहे हैं। तो ये ट्रे से क्या होगा कि पानी एक बूंद भी नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। जैसे विंडो एसी में क्या होता है कि कभी इस जगह से कभी उस जगह से पानी गिरता है बैक साइड से, तो ये लगाने के बाद क्या है कि वो पानी एक बूंद भी नहीं गिरेगा और नीचे पाइप लग जाएगा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको पीछे की तरफ फिट कर दिए। फिट करने के बाद उसका जो भी 4 ग्रुप रहता है, वो ग्रुप को हम लोग एसी में फंसा दिए बढ़िया से कि वो निकले नहीं। तो फंसाने के बाद फिर ये ड्रेन पाइप है, तो ड्रेन पाइप को क्या है कि हम लोगों ने पूरा नीचे कर दिया, क्योंकि नीचे लगा दिए क्योंकि किसी के घर पे या कहीं पानी नहीं गिरे, तो ये दे देना बहुत अच्छा रहता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको पाइप को कटिंग कर दिए। कटिंग करने के बाद उसको बढ़िया से उसका मुंह फैला के उसमें हम लोग लॉक कर दिए कि जिस तरीके से वो गिरे नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसी को उठाया और एसी को फिट कर दिए। तो ये क्या है कि परफेक्ट एकदम फिट हो गया। फिर उसका जो भी कवर होता है, तो कवर ओवर को हम लोग लगा दिए। कवर लगाने के बाद क्या है कि इसका फ़िल्टर होता है अंदर में, तो अभी हम लोग उसका फ़िल्टर भी लगाया गया। ये फ़िल्टर है, तो ये क्या होता है कि इसी में जितना भी डस्ट होता है सबसे पहले इसमें फंसता है। तो फ़िल्टर लगाने के बाद इसका कवर है, तो ये क्या है कि हम लोग एसी फिट हो गया है। अब फिट होने के बाद क्या है कि इसको बढ़िया से हम लोग पोंछ देंगे, क्योंकि पकड़ने उकड़ने में थोड़ा गंदा हो जाता है। हाँ, फिट अब क्या है कि हम लोग उसका स्टेबलाइजर लगाएं, क्योंकि डीवीसी एरिया में स्टेबलाइजर बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम लोगों ने स्टेबलाइजर का नापी लिया। नापी लेने के बाद हम लोग उसमें ड्रिल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि बढ़िया से ड्रिल करके उसमें फास्टनर दे दिए हैं, और फास्टनर देने के बाद अभी उसमें खीला को ठोक दिए कि जिससे कि वो उसको पकड़ ले। और ये हमारा स्टेबलाइजर है जो वी गार्ड का है, बहुत अच्छा स्टेबलाइजर है 4 KV। ये हमारा स्टेबलाइजर भी लग गया है। और आप बताइए कि हमारा काम कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।